सीमा कुमारी, गुड मॉर्निंग। राजवीर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किलन, हाउ आर यू? हाउ आर यू चिल्ड्रेन? आई होप यू आर फाइन। आई एम रीता सिन्हा। वंस अगेन वेलकम टू माई इंग्लिश क्लास। द चैप्टर ग्रास होपर ग्रीन। द ग्रास होपर ग्रीन। ओके सीमा, यू आर फाइन। द ग्रास होपर ग्रीन पोएम, नवंबर कोर्स। लुक हियर चिल्ड्रेन, लुक हियर, दिस इज योर चैप्टर ग्रास होपर ग्रीन। ग्रास होपर ग्रीन। राजवीर, नंदनी, रानी वाला, वेरी गुड मॉर्निंग। आदित्य विमल, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम क्लास थ्री? नो, क्लास फोर। क्लास फोर चिल्ड्रेन, आई मेंशन क्लास फोर इन दिस ब्लैक बोर्ड, ऑन द ब्लैक बोर्ड। चिल्ड्रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रास होपर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर? हैड एक्सप्लेन बाय रंजीता मैम ऑल्सो, वो आपको भी इसको पढ़ा चुकी हैं, ग्रास ऑफर गेन, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। बट टुडे आई एक्सप्लेन ऑल्सो, आई एक्सप्लेन अगेन। आई रिसाइट दिस पोएम एंड देन सॉल्व द एक्सरसाइज। मैं इसको पढ़ूंगी और समझा दूंगी, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज को सॉल्व कर दूंगी। टुडे इज माई लास्ट डे इन नवंबर। ओके चिल्ड्रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रास हॉपर? ग्रास होपर का मीनिंग क्या होता है? ग्रास होपर किसको कहते हैं? ग्रास होपर को आप लोगों ने देखा है? हैव यू सीन? ग्रास होपर मीन्स, फाइन मैम, क्लास थ्री की क्लास कब होगी बेटे? उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, 10 मिनट के बाद वह स्टार्ट हो जाएगी। डिड्डा, वेरी गुड सीमा। ग्रास होपर मीन्स,
ग्रास ऑफर मीन्स टिड्डा। आप लोगों ने देखा होगा ग्रास पे हमेशा इतने बड़े बड़े ग्रास हॉपर जो है सो जंप करते रहते हैं, कभी कभी बॉडी पर भी उड़ के आ जाता है ना, उसे हम लोग टिड्डा, हिंदी में उसे टिड्डा बोलते हैं। तो ग्रास हॉपर ग्रीन जो है एक टिड्डा की पोएम है, इट इज़ वेरी फनी पोएम, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ओके नाउ ए ग्रास हॉपर इज एन इंसेक्ट, ये एक क्या है, कीड़ा है, एक इंसेक्ट्स है। लुक एट सम अदर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली में कुछ और भी इंसेक्ट्स हैं इस फैमिली के। ओके एंड रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड देयर नेम्स, इनके नाम जो है सो रीअरेंज करना है, जंबल दिया हुआ है इसको रीअरेंज करके हमें लिखना है। तो फर्स्टली क्या है, ETBLEE, क्या होगा, करेक्ट देम, इसको करेक्ट कीजिए, रीअरेंज कीजिए, रीअरेंज चिल्ड्रन। किशोर सामी वेरी गुड मॉर्निंग, बीटल वेरी गुड, सीमा कुमारी बीटल, बीटल बीटल BEETLE बीटल, बिटल मीन्स, बिटल मीन्स कीट, झिंगुर जिसको हम लोग कहते हैं, ब्रिंग झिंगुर, जिसे झिंगुर आप लोग को कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, उसे हम लोग बिटल को झिंगुर बोलते हैं। ओके नेक्स्ट इज TOHM, TOHM, करेक्ट देम, इसको करेक्ट कीजिए, करेक्ट इट चिल्ड्रन, इसको करेक्ट करें, मोथ वेरी गुड, मोथ, मोथ मीन्स, मोथ मोथ मीन्स कीट पतंगा जो होता है, कभी आप देखते हैं कि अभी बहुत सारे कीट पतंगा आ गए हैं, आप देखते हैं कि जो है से लैंप के आगे या बल्ब के आगे वो इर्द गिर्द राउंड करते रहता है, लाइट जलता है ना तो उस पर राउंड करता है, या लैंप जलता है तो वो कीट पतंगे उसके आगे पीछे राउंड करते रहते हैं। ओके तो हम लोग मौत को कीट पतंगा बोलते हैं। ट्यूबल, ट्यूबल फ्लाट्राई, करेक्ट इज चिलेन, करेक्ट इट बटरफ्लाई, वेरी गुड सीमा, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तो सबने देखा होगा, बटरफ्लाई मीन्स, बटरफ्लाई मीन्स तितली, बटरफ्लाई मीन्स तितली, तितली को आप लोगों ने देखा है ना, डिफरेंट कलर के आते हैं, मल्टीपल कलर के आते हैं। ओके और ये फूल के आसपास ज़्यादा मिलते हैं बटरफ्लाई, बटर और फ्लाई केस और एक साथ उसको ज्वाइन कीजिए, बटरफ्लाई को, बटर मीन्स मक्खन हो गया, फ्लाई मीन्स उड़ना हो गया, इसलिए उसको ज्वाइन करके लिखिए, तितली वेरी गुड सीमा, तितली, तितली जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तितली हमेशा फूल के इर्द गिर्द पाई जाती है ना। ओके
क्रिकेट CRICKET। ये क्रिकेट में खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये क्या है? भौरा ग्रुप का एक बैक्टीरिया होता है जिसका स्टिंग्स बहुत हार्ड होता है, स्टिंग जो होता है सो, है ना? देखिए इसके ऊपर स्टिंग इसके कितने बड़े बड़े हैं, ये भौरा ग्रुप का होता है और ये काटता भी है। ओके, तो इससे बच के रहिएगा आप लोग। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। ग्रास हॉप चिल्ड्रन, हेयर आर सम वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, कॉमिकल वर्ड मीनिंग कॉमिकल, कॉमी कॉमिकल। कॉमिकल मीन्स फनी, कॉमिकल मीन्स फनी। बेस्ट ऑफ फेयर, बेस्ट ऑफ फेयर, बेस्ट ऑफ फेयर, बेस्ट फूड, अच्छी भोजन, बेस्ट फूड। ओके, मीडो, 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 फ्लैट लैंड्स, कवर्ड, कवर्ड विथ ग्रास, विथ ग्रास। क्वेंट, QUAINT, क्वेंट। क्वेंट मीन्स क्वेंट। प्रीति ने फनी है, प्रीति प्रीति फनी, फनी वे। फ्लाइट, मूवमेंट थ्रू एयर, मूवमेंट थ्रू लुक हियर चिल्ड्रन, दीज आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स, सो आई एक्सप्लेन दिस वर्ड। कॉमिकल, कॉमिकल मीन्स फनी, फनी फनी समझ रहे हैं ना? फनी समझते हैं जिसमें खुशी खुशी मजाकिया है। ओके, बेस्ट ऑफ फेयर, बेस्ट ऑफ फेयर मतलब अच्छी भोजन, बेस्ट फूड, अच्छी भोजन। हाँ ओके, कॉमिकल का स्पेलिंग है COMICAL, COMICAL, कॉमिकल मीन्स फनी मजाकिया। ओके, बेस्ट ऑफ फेयर, BEST बेस्ट, OF ऑफ FAIR, फेयर, फेयर मीन्स बेस्ट फूड, अच्छी भोजन। ओके, बहुत अच्छी भोजन। मीडो, MEADOW, मीडो,
MEADOW मीडो, फ्लैट लैंड्स कवर्ड विथ ग्रास, फ्लैट लैंड समतल जमीन, समतल जमीन जो कि ग्रास से कवर्ड है, ग्रास लगी हुई है उसमें, ओके। क्वेंट, QUAINT, क्वेंट, प्रिटी इन ए फनी वे, रास्ते में खुशी से उछल कूद करना, प्रिटी इन ए फनी वे। फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट, मूवमेंट थ्रू एयर, हवा में उड़ना, हवा में मूवमेंट करना, मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जाना। देखते हैं टिड्डा जो है सब हमेशा उड़ते ही रहता है, एक जगह थोड़ी देर बैठता है, फिर वहाँ से उड़ के दूसरी जगह चला जाता है, फिर तीसरी जगह चला जाता है, वो एक जगह शांति से नहीं बैठता है। देखिए उसको बैठते हुए नहीं, वो उड़ते रहता है। और आपका देखिएगा प्लेन के डिजाइन का होता है, हवाई जहाज देखे हैं ना, उसके डिजाइन का वो बना होता है टिड्डा, टिड्डा जो है सो प्लेन के ढंग का होता है, ओके। लेट्स स्टार्ट दिस दिस पोएम। ग्रास होपर ग्रीन इज ए कॉमिकल चैप, ग्रास हॉपर ग्रीन इज अ कॉमिकल चैप, ही लिव्स ऑन द बेस्ट ऑफ एयर, ब्राइट लिटिल ट्राउजर्स, जैकेट एंड कैप, दीज आर हिज समर वियर, वियर मीन्स पहनता है। Let's start again. Grasshopper green is a comical chap. He lives on the best of fare. Bright little trousers, jacket and cap. These are his summer wear. Summer means समझते हैं गर्मी, गर्मी का कपड़ा, wear. Out in the meadow, he loves to go playing away in the sun. It's hopperty, skipperty. High and low, summer's the time for fun. हॉपर्टी स्कपर्टी मीन्स क्या होता है, हॉपर्टी स्कपर्टी मीन्स कूदने का भाव, कूदने का, वो जो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह कूद के जाता है, हाँ ऊंचा नीचा कूदता है ना, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, देखिए वो टिड्डा को। समर्स द टाइम फॉर फन, समर्स में वो ज़्यादा फन करता है, इंजॉय करता है, ओके। ग्रास ओपर ग्रीन है ये क्वेंट लिटिल हाउस, क्वेंट मीन्स प्रिटी इन द फनी वे, लिटिल हाउस, इट्स अंडर द हेज सो ब्राइट, अंडर द हेज सो ब्राइट, ग्रैंड मदर स्पाइडर एज स्टील एज ए माउस, ग्रैंड मदर स्पाइडर एज स्टील एज ए माउस, वॉचेज हिम थ्रू हिज फ्लाइट, ग्लैडली ही इज कॉलिंग द चिल्ड्रेन आई नो, आउट इन द ब्यूटिफुल सन, इट्स हॉपर्टी स्कपर्टी हाई एंड लो, समर्स द टाइम फॉर फन। दिस पोएम इज चिल्ड्रेन रिटन बाय एनोनिमस, एनोनिमस किसको कहते हैं, एनोनिमस कोई पोएट का नाम नहीं है, एनोनिमस जो है सो किसी पोएट का नाम नहीं है, ये क्या है, जब हम किसी पोएट का नाम कन्फर्म नहीं होते हैं कि इसे किसने लिखा है, तो उसे उसे हम लोग एनोनिमस लिख देते हैं। जब हम जानते हैं कि यह हम कन्फर्म नहीं रहते हैं कि किस पोएट के द्वारा ये लिखा गया है पोएट, तो उस जगह पर एनोनिमस लिख देते हैं, ओके। तो आप लोग एक बार मेरे साथ स्टार्ट कीजिए इसको, ग्रास होपर ग्रीन इज ए कॉमिकल चैप, ही लिव्स ऑन द बेस्ट ऑफ फेयर, ब्राइट लिटिल ट्राउजर जैकेट एंड कैप, दीज आर हिज समर वियर। ग्रास होपर ग्रीन क्या है, कॉमिकल फनी चैप है, समझ गए, फनी चैप है ये।
ही लिव्स ऑन द बेस्ट ऑफ फेयर, कहाँ बैठता है, अच्छे भोजन पर बैठता है. ओके, ब्राइट लिटिल ट्राउजर जैकेट एंड कैप, इसका जो है सो समर का वियर क्या हो, कपड़े क्या होते हैं, ब्राइट लिटिल ट्राउजर्स होते हैं, जैकेट एंड कैप होते हैं, है ना. उसको देखने से लगता है ये ट्राउजर्स पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं और कैप पहने हुए हैं. ओके, यही उसके गर्मी के कपड़े होते हैं. आउट इन द मीडोज ही लव टू गो, वह फ्लैट लैंड्स पर जाना बहुत पसंद करता है. ओके, प्लेइंग अवे इन द सन, और क्या पसंद करता है, सूरज के साथ खेलना, सूरज की रोशनी में खेलना पसंद करता है. ओके, इट्स होपर्टी एस्कपर्टी हाई एंड लो, वो क्या करता है, होपर्टी एस्कपर्टी करता है, हाई एंड लो कूदता है. कूदने का भाव उसका क्या होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, देखते हैं ना, वो कभी बॉडी पर भी बैठ जाता है और बच्चे डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं. नहीं, समर द टाइम फॉर फन, गर्मी का दिन जो है उनके लिए फन का टाइम होता है. ओके, ग्रास होपर ग्रीन हैज ए क्वाइंट लिटिल हाउस, उनके पास जो है सो लिटिल हाउस होता है, कैसा, प्रिटी एंड फनी वे, जिसमें वो फनी वे करते हैं और सुंदर होता है. ओके, इट्स अंडर द हेज सो ब्राइट, ग्रैंड मदर स्पाइडर एज स्टील एज ए माउस. ओके, वॉचेज हिम थ्रू द हिज फ्लाइट, ग्रैंड मदर जो है सो उसका जो मकड़ी होता है, मकड़ी वो एज स्टील एज ए माउस, माउस के पास स्टील रहता है, वॉचेज हिम थ्रू हिज फ्लाइट, और उसको देखते रहता है कि वो कैसे फ्लाइट करता है. ओके, ग्लैडली ही इज कॉलिंग द चिल्ड्रेन, खुशी से वो बच्चे को बुलाती हैं, बच्चे को कह रही हैं, आई नो आउट इन द ब्यूटिफुल सन, मैं जानती हूँ कि ये सुंदर सूरज में बाहर आता है. इट्स होपर्टी एस्कपर्टी, जब सूरज की रोशनी अच्छी होती तो वो बाहर निकल के आता है, कौन, ग्रास होपर. इट्स होपर्टी एस्कपर्टी हाई एंड लो, उसका होपर्टी एस्कपर्टी जो है वो जो उछलने का भाव है वो ऊंचा नीचा होते रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है. समर्स द टाइम फॉर फन, और समर्स में वो बहुत मजाक करता है, बहुत इंजॉय करता है, फन करता है. ओके, नाउ चिल्ड्रन चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन, मूव्स, ऑप्शन नंबर वन मूव्स, बी टॉक्स, सी सिंग. द ग्रास होपर ए मूव्स, बी टॉक्स, सी सिंग्स. सीमा कुमारी वेरी गुड मूव्स. केशव योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट मूव्स. Choose the correct option. Choose the correct option. नंबर वन ए मूव्स इज करेक्ट, दो द ग्रास हॉपर लव्स टू, ऑप्शन ए प्ले, ऑप्शन बी ड्रेस अप, ऑप्शन सी द सन. The grasshopper loves to, option A,
प्ले, ऑप्शन बी चिल्ड्रन। नंबर टू द ग्रास हॉपर लव्स टू, ऑप्शन ए प्ले, ऑप्शन बी ड्रेस अप, ऑप्शन सी स्लीप इन द सन। गिव मी रिप्लाई। गिव मी रिप्लाई प्ले। वेरी गुड चिल्ड्रन, योर आंसर इज करेक्ट। केशोर, सीमा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नंबर ए प्ले। नंबर थ्री द ग्रास हॉपर लीव्स, द ग्रास हॉपर लीव्स नंबर ए इन द मीडो, इन द मीडो, बी ऑन द टॉल ट्री, ऑन टॉल ट्री, नंबर सी अंडर द हेज। नंबर ए द इन द मीडो, नंबर बी ऑन टॉल ट्रीज, नंबर सी अंडर द हेज। अंडर द हेज के सॉर, वेरी गुड सीमा। इन द मीडो, नो बेटा योर आंसर इज रॉन्ग। अंडर द हेज, यहाँ साफ यहाँ दिया हुआ है। अंडर द इट्स ग्रास ऑफ अ ग्रीन हैज ए क्वाइंट लिटिल हाउस, घर होती है। इट्स अंडर द हेज सो ब्राइट, अंडर द हेज, वेरी गुड। अंडर द हेज सी, अंडर द हेज। Grandma spider number four, grandma spider number, option one A play with the grasshopper, number B calls the grasshopper's children, C watches the grasshopper fly, watches the grasshopper fly, grandmother spider play with the grasshopper, watches the grasshopper fly. Very good Seema, Seema, yes your answer is correct. See, watches the grasshopper fly, watches watches the grasshopper, grasshopper fly. Okay, note down children. Number one A is correct moves, number B two A is correct play, number three C is correct under the hedge, number four C is correct watches the grasshopper fly. Okay, today my November course is completed. Okay children, November course is completed. I send you PDF chapter 9 and poem grasshopper green and also activity book chapter 9. Okay. Class test. Class test.